हम आज करेंगे फोल्ड्स एंड फोल्डिंग। तो सबसे पहले हमें अगर फोल्ड को समझना है, सबसे पहले हमें बेड्स के बारे में समझना होगा। तो बेड्स क्या होते हैं? द डिस्टिंक्ट लेयर पाइल अप वन अबो अनदर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, दीज लेयर आल्सो कॉल्ड बेड्स और स्ट्राटा। मतलब जैसे एक हमारे पास ये रॉक्स है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। मतलब एक रॉक्स के ऊपर दूसरी रॉक्स का होना या दूसरी के ऊपर तीसरी रॉक्स का होना बेड्स कहलाता है। अब बेड्स भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, यंगर बेड और ओल्डर बेड। अब बेड्स अगर प्लेन में आ जाएं, जैसे ये है प्लेन में आ गया और इस पर इधर से भी फोर्स लग रही है और इधर से फोर्स लग रही है, इस फोर्स को कहते हैं कॉम्प्रेशनल फोर्स। जो फोर्स इन दोनों पर लग रही है ऊपर, जो इस रॉक्स पर इधर से भी फोर्स लग रही है इधर से भी लग रही है, तो ये क्रिएट होता है फोल्ड्स, ऐसे बनते हैं फोल्ड्स, इसे कहते हैं फोल्ड्स। अब फोल्ड्स की डेफिनेशन देखिए। फोल्ड्स मे बी डिफाइन एज अंडुलेशन और कर्वेचर और बैंड डेवलप्ड इन द रॉक्स ऑफ द क्रस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस। ये होती है फोल्ड्स की डेफिनेशन। अब फोल्ड्स हमारे पास द कंपोनेंट ऑफ फोल्ड्स, फोल्ड्स के कितने कंपोनेंट हैं? हिंज लाइन, लिम्ब, क्रेस्ट और ट्रफ, फोल्ड एक्सिस, इंटरलिम्ब एंगल, एक्सियल प्लेन, इन्फ्लेक्शन पॉइंट और प्लंज। तो सबसे पहले हिंज को देखिए, हिंज क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास ये फोल्ड है, इस तरह से ये फोल्ड है, इसकी जो मैक्सिमम कर्वेचर है, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ फोल्ड्स, ये होती है हिंज। अब मैं हिंज की डेफिनेशन देखिए, मैक्सिमम कर्वेचर ऑफ अ फोल्ड और मिनिमम कर्वेचर ऑफ अ फोल्ड इज नोन एज हिंज। ये फोल्ड नहीं है, हिंज है, इज नोन एज हिंज। अब हमारा पास सेकेंड पॉइंट है हिंज लाइन। हिंज लाइन क्या होती है ये देखिए, व्हेन वी कनेक्ट ऑल द हिंज पॉइंट टुगेदर देर इज़ अ इमेजनरी लाइन इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड हिंज लाइन। मतलब हमारे पास ये एक फोल्ड हुआ, उसके बाद ये दूसरा फोल्ड हुआ, ये तीसरा फोल्ड हुआ, जितने भी हिंज पॉइंट हैं उन सबको इकट्ठे करके जो लाइन बनती है उसे कहते हैं हिंज लाइन। ये है हिंज लाइन। अब लिम्ब देखिए क्या है। मान ली हमारे पास ये एक फोल्ड है, ये दूसरा फोल्ड है, जो फोल्ड की साइड होती हैं वो लिम्ब होती है। देर आर द साइड ऑफ अ फ्लैंक्स ऑफ अ फोल्ड इज नोन एज लिम्ब्स। अब क्रस्ट और ट्रफ देखिए, मैक्सिमम कर्वेचर ऑफ अ फोल्ड इज नोन एज क्रस्ट, मिनिमम कर्वेचर ऑफ अ फोल्ड इज नोन एज ट्रफ। ये क्रस्ट और ये ट्रफ। अब क्या है, एक्सियल प्लेन, द प्लेन ऑफ सरफेस ड्यू टू विच द फोल्ड इज डिवाइडेड इक्वली इंटू टू पार्ट्स इज नोन एज एक्सियल प्लेन। मान लीजिए हमारे पास ये फोल्ड है, ये हमारे पास एक इमेजनरी लाइन जा रही है जो इक्वली डिवाइड कर रही है फोल्ड को, वो कहलाती है एक्सियल प्लेन। फोल्ड एक्सिस, मान लीजिए हमारे पास ये फोल्ड है और ये फोल्ड है, जो हिंज पॉइंट हैं उन सबको पॉइंट को मिलाकर जो लाइन बनती है उसे कहते हैं फोल्ड एक्सिस। इट इज़ इमेजनरी लाइन और स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द हिंज लाइन इज नोन एज फोल्ड एक्सिस। तो ये थी फोल्ड के बारे में, कल हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड।